नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल आरएएस एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो राजस्थान होमगार्ड्स भर्ती 2020 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान में 2500 होमगार्ड्स पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकाली है। ये भर्ती प्रक्रिया 10 जून से चालू होकर 9 जुलाई तक चलेगी। तो अब बहुत से बच्चों को ये इंतजार है कि किस जिले में कितने पद खाली हैं, बहुत ही बेसब्री से ये इंतजार कर रहे थे और ये लिस्ट भी आ गई है। पूरी लिस्ट है, ऑफिशियल लिस्ट है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को लिस्ट में देखा नहीं जा रहा था। तो जो सरल तरीके से मैं आपको बताऊँगा किस जिले में कितने पद खाली हैं सभी कैटेगरी के लिए। ये फॉर्म भरने से पहले आप जरूर देख कर जाएँ, क्योंकि बाद में आपको पछताना नहीं रहे और पछतावा नहीं होता। दोस्तों, अब चलते हैं पूरी जानकारी पर। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये देखिए गृह रक्षा और राजस्थान विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। बिल्कुल आपको सही तरीके से पूरे जिलों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी ये जानकारी दे देता हूँ कि ये देखिए ये लिस्ट है, इसमें से आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही आपको दिक्कत हो रही होगी, तो आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। मैंने सरल तरीका से आपको लिस्ट बनाई है और पूरी उसी लिस्ट के हिसाब से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम पूरी जानकारी पर। तो सबसे पहला है अलवर जिला, और अलवर जिले में जो केंद्र और उपकेंद्र बनाए हैं, आपके उपकेंद्र सीमा गृह रक्षा कंपनी जो कंपनी मुख्यालय हैं, उनकी पूरी जानकारी आपको देंगे। अब जैसे दोस्तों, सबसे पहले ले लेते हैं हम अलवर जिला। तो अलवर जिले के भिवाड़ी में जनरल की 79 सीट हैं, उसके बाद में एससी की 35 सीट हैं, एसटी की 26 सीट हैं, ओबीसी की 46 सीट हैं, और एमबीसी वर्ग की 11 सीट हैं, और आर्थिक जो पिछड़ा वर्ग है उसकी 22 सीट हैं। अब ये जो सीट हैं इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हैं और इनमें विधवाओं के लिए भी हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल करके मैंने लिए गए हैं। और नीमराणा में 26 हैं, अलवर की नीमराणा में जो ये कंपनी है होमगार्ड्स की, और नीमराणा में एससी की 12 जगह हैं, एसटी की 2 हैं, सॉरी एसटी की 9 हैं, ओबीसी की 15 हैं, इसी प्रकार से एमबीसी की 4 हैं तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग की 7 हैं। ये टोटल वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें विधवा और मेल एंड फीमेल तीनों हैं इस प्रकार से। अब बाड़मेर जो शहर है, बाड़मेर में 7 जीक जनरल की और 3 एससी की, एसटी की 3 हैं, ओबीसी की 4 हैं, एमबीसी की 1 है तथा 2 इसमें आर्थिक पिछड़ा वर्ग की हैं। अब बीएचजी बाड़मेर है दोस्तों, बीएचजी बाड़मेर। अब इनमें जो कंपनी आती हैं वो कंपनी है रामसर कंपनी, सोवाला कंपनी और बाखासर कंपनी। ये 3 कंपनी हैं और इन तीनों कंपनी में जनरल की 9 सीट हैं, एससी की 3 सीट हैं, एसटी की भी 3 सीट हैं तथा ओबीसी की 6 सीट हैं, और एमबीसी वर्ग के लिए 1 सीट है तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 3 सीट रिजर्व हैं। अब है दोस्तों 12 की हम बात करें तो 12 में जो जनरल वर्ग है, जनरल वर्ग के लिए 17 और एससी के लिए 0, एसटी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 9 तथा 2 इसमें एमबीसी वर्ग के लिए तथा 4 इसमें आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए वैकेंसी हैं। अब आता है भरतपुर, लोहागढ़ भरतपुर है, इसमें जनरल के लिए 41 हैं और एससी के लिए 18, एसटी के लिए 13, ओबीसी के लिए 25 सीट हैं तथा 6 इसमें एमबीसी वर्ग के लिए और 11 इसमें आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए सीट रिजर्व हैं। चित्तौड़गढ़ आता है, अब आता है दोस्तों ये चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में जनरल की 33 सीट हैं, 14 सीट इसमें एससी की हैं, एसटी की 11 सीट हैं, 19 सीट इसमें ओबीसी की हैं तथा 5 सीट एमबीसी की हैं, 9 सीट इसमें आर्थिक पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। दोस्तों, पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं भी राजस्थान का हूँ और राजस्थान से संबंधित कोई भी वैकेंसी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ हर वैकेंसी से संबंधित। अब आता है दौसा जिला, दौसा जिला में 12 सीट जनरल की, 5 सीट एससी की, 5 सीट ही इसमें एसटी की हैं, 7 सीट ओबीसी की हैं, 2 सीट एमबीसी वर्ग तथा 3 सीट इसमें आर्थिक पिछड़ा वर्ग से कमजोर विद्यार्थियों के लिए हैं। बात आती है धौलपुर की। तो दोस्तों, धौलपुर का राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि जो धौलपुर का निर्माण हुआ था वो सवाई माधोपुर से अलग करके वो किया गया था 15 अप्रैल 1982 को सबसे पहला ये जिला बना था एकीकरण के बाद में। छोड़ो, उसकी बात छोड़ते हैं, सबसे पहले हमें होमगार्ड की ये चाहिए। तो 12 सीट इसमें जनरल की हैं और 5 इसमें एससी की हैं, 5 ही एसटी की हैं, 7 इसमें ओबीसी की हैं, 2 इसमें
एमबीसी की है तथा 3 इसमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के लिए श्रीगंगानगर जिला आता है। श्रीगंगानगर के लिए 20 जनरल की, 9 एससी की, 7 एसटी की, 13 ओबीसी वर्ग के लिए, 3 एमबीसी के तथा 6 इसमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए है। अब आती है बीएचजी श्रीगंगानगर। बीएचजी श्रीगंगानगर आती है तो इसमें कैरी कंपनी आती है दोस्तों, एक तो कैरी कंपनी आती है, एक इसमें कोनी कंपनी आती है, एक मिर्जे वाला कंपनी आती है तथा एक इसमें गज सिंहपुर कंपनी आती है और तथा एक इसमें राय सिंह नगर कंपनी आती है। इस प्रकार से इसमें 4 कंपनियां हैं जो बीएचजी श्रीगंगानगर है, इसमें होमगार्ड की 4 कंपनियां हैं। नाम मैंने आपको बता दिया है, राय सिंह नगर कंपनी है, गज सिंहपुर कंपनी है, मिर्जे वाला कंपनी है और एक जो कंपनी है वो है कैरी कंपनी। तो श्रीगंगानगर, बीएचजी श्रीगंगानगर है, इसमें जनरल के लिए 9 सीट हैं, एससी के 8, एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 7, एमबीसी वर्ग इसमें 0 पद हैं तथा 9 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए हैं। अब आती है दोस्तों बात जयपुर ज़िले की। जयपुर ज़िले में जो पद हैं इनकी भरमार है, 178 पद इसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंटों के लिए हैं, 79 पद एससी वालों के लिए हैं तथा 55 यानी कि 59 पद एसटी वालों के लिए हैं, 104 पद इसमें ओबीसी स्टूडेंट के लिए हैं जयपुर में तथा 26 पद इसमें एमबीसी वर्ग के लिए हैं और 49 पद इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए हैं। अब दोस्तों दूसरी लिस्ट पर चलते हैं, ये लिस्ट थोड़ी उल्टी हो गई है, सीधी कर लेते हैं। अब बात आती है जालौर ज़िले की। तो जालौर में 7 पद जनरल के हैं, एससी के 3 हैं, एसटी के 3 हैं, ओबीसी के 4 पद हैं, एमबीसी वर्ग के लिए सिर्फ 1 पद है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 2 पद रखे गए हैं। जैसलमेर ज़िले की हम बात करें तो 7 पद जनरल, 3 पद एससी, 3 पद ही एसटी, ओबीसी के 4 पद, 1 पद एमबीसी के लिए और 2 पद इसमें आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए, जालौर जितने ही पद जैसलमेर में हैं। बीएचजी जैसलमेर की हम बात करें तो दोस्तों बीएचजी जो जैसलमेर है इसमें जो कंपनी है, एक तो नाचना कंपनी है, एक इसमें मोहनगढ़ कंपनी है, एक इसमें रामगढ़ कंपनी है और एक है म्याजलार कंपनी। इसमें 4 कंपनी है जो बीएचजी जैसलमेर है, इसमें 4 कंपनी है, नाचना कंपनी, मोहनगढ़ कंपनी, रामगढ़ कंपनी तथा म्याजलार कंपनी। अब दोस्तों ये जो 4 कंपनियां हैं, 4 कंपनियों में देखिए 13 पद तो हैं जनरल के, 7 पद हैं इसमें एससी के, 4 पद एसटी के, 7 पद ओबीसी के तथा इसमें एमबीसी वर्ग के लिए कोई भी पद नहीं है, 4 पद आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए हैं। झालावाड़ जिला, जहां पर सबसे ज़्यादा मानसून भी होता है, 17 जिला जो 17 वैकेंसी हैं ये इसमें जनरल के लिए हैं, 8 वैकेंसियाँ एससी, 6 एसटी, 10 ओबीसी के लिए, 3 इसमें एमबीसी वर्ग तथा 5 इसमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए हैं। दोस्तों आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत की है और जब ये लिस्ट बनाई है आपके लिए सरल तरीके से लिस्ट कर दी है, और क्योंकि आपको सभी जानकारियां का पता हो, क्योंकि लिस्ट में देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था मुझे खुद ने भी, मैंने ये लिस्ट देखी है जो मैंने आपको बताई थी। अब हम बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर ज़िले की हम बात करते हैं तो जोधपुर में देखिए 55 तो हैं जनरल स्टूडेंटों की और 25 हैं एससी के लिए, एसटी के लिए इसमें 18 हैं और 32 ओबीसी के लिए हैं, 8 इसमें एमबीसी वर्ग के लिए हैं, 15 इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए हैं। अब आती है डांग की रानी। तो डांग की रानी में करौली में 7 पद जनरल के लिए, 3 पद एससी के लिए और 3 पद ही इसमें एसटी के लिए है, 4 पद ओबीसी के लिए, 1 पद एमबीसी के लिए है, 2 पद आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए है। अब आता है शिक्षा नगरी कोटा। शिक्षा नगरी कोटा में जिसे नालंदा भी कहते हैं, इसमें 50 जनरल, 22 इसमें एससी, 17 एसटी, 29 इसमें ओबीसी के लिए, 7 एमबीसी के लिए 7 पद हैं, 14 आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए इसमें पद रखे गए हैं। अब ये है सुगंधित मेथी के लिए प्रसिद्ध जो नागौर जिला है, इसमें जनरल के लिए जो पद हैं 21 हैं, 9 इसमें एससी के लिए, 7 एसटी के लिए, 12 इसमें ओबीसी के लिए हैं, 3 एमबीसी वर्ग के लिए तथा 6 इसमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए है। अब आता है पाली, ये राजस्थान की व्यावसायिक राजधानी है, कुछ ही स्टूडेंटों को पता होगा। तो इसमें 25 जनरल के लिए,
एससी के लिए 11 पद हैं, 8 एसटी के लिए, 15 ओबीसी के लिए, 4 इसमें एमबीसी के लिए और 7 इसमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए। बात करें प्रतापगढ़ की तो प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला है और लास्ट जो निर्माण हुआ था वो जिला है, इसका निर्माण 26 जनवरी 2008 को हुआ था। प्रतापगढ़ का निर्माण 26 जनवरी 2008 को हुआ था। परमेश चंद्र कमेटी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री थी तब इसका निर्माण हुआ था। 3 जिलों से इसका निर्माण हुआ था। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें 3 जिलों से ये अलग होकर हुआ था। चित्तौड़गढ़ की 3 तहसील हैं, बांसवाड़ा की 1 तहसील है तथा 1 ही तहसील इसमें उदयपुर की रखी गई है। इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। तो छोटो हमें तो सिर्फ वैकेंसियों को पता होना चाहिए। तो इसमें 10 तो जनरल की हैं, 9 इसमें एससी की हैं, 1 इसमें एसटी की है। ओबीसी के लिए कोई भी पद नहीं है, एमबीसी के लिए कोई भी पद नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए कोई भी पद इसमें नहीं रखा गया है। राजसमंद हल्दी घाटी आपको तुरंत याद आ गया होगा। तो इसमें 13 पद जनरल के लिए, 6 पद इसमें एससी के लिए और 4 पद एसटी के लिए, 8 पद इसमें ओबीसी वर्ग के लिए, 2 पद इसमें एमबीसी वर्ग के लिए तथा 4 पद इसमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए। सवाई माधोपुर जहाँ पर रणथंबोर उद्यान है और गणेश जी का त्रिनेत्र जी मंदिर भी है, राजस्थान का प्रश्न में पूछा जाता है। जनरल के साथ ओबीसी के लिए एससी के लिए इसमें 3 और एसटी के लिए 3, 4 ओबीसी के लिए, 1 एमबीसी के लिए तथा 2 इसमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए पद रखे गए हैं। नेक्स्ट पर चलते, अब बात आती है सिरोही जिला की। सिरोही जिले जहां पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं पहाड़ों पर, तो यहाँ पर सिरोही में 2 जगह पर लिखड़ी हैं यहाँ जो कंपनी है, ये तो एक तो है सिरोही शहर और एक है माउंट आबू। 2 जगह से ये लिखड़ी हैं, माउंट आबू में और सिरोही शहर में। तो 24 जनरल के लिए, 19 एससी के लिए अनुसूचित जाति के लिए और 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 1 एमबीसी के लिए तथा 2 आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए। टोंक जिले की बात करें, नवाबों का नहर, नवाबों का शहर इसे उपमा दी गई है। तो टोंक शहर में भी इसमें 5 कंपनियाँ हैं, 5 नहीं इसमें 6 कंपनियाँ हैं, पूरे नाम बता देता हूँ। एक तो है टोंक शहर, देवली, निवाई, मालपुरा, टोडा राय सिंह और उनियारा। इस प्रकार से इन कंपनियों के लिए वैकेंसियां निकाली गई हैं। 70 जनरल के लिए, एससी के लिए 37 और 27 इसमें एसटी के लिए, 52 ओबीसी के लिए, 10 एमबीसी वर्ग के लिए, 23 आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। उदयपुर जिले के लिए, उदयपुर शहर में 113 पद हैं जनरल के लिए, बहुत ही पद हैं उदयपुर में, जयपुर में और जोधपुर में। 50 पद एससी के लिए अनुसूचित जाति के लिए, 38 पद अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 66 पद हैं इसमें और एमबीसी के लिए इसमें 16 पद हैं और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 31 पद हैं। तो दोस्तों ये हमने बहुत ही मेहनत करके आपको लिस्ट बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार आप लाइक ज़रूर कर देना और जितने भी स्टूडेंट राजस्थान के हैं दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको राजस्थान से संबंधित छोटी से छोटी पल पल की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।